दोस्तों आरबीआई ने कर दिया है नया गाइडलाइन फॉर ऑल क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। सो कोई भी अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूं जो नया अपडेटेड पॉलिसी है। उस पॉलिसी के तहत आप अगर फॉलो नहीं करते जो रूल्स एंड टर्म्स है, सो हो सकता है आपका जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड है वो आप इस्तेमाल भी ना कर पाओ। तो दोस्तों वीडियो को आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सबसे विनती करूंगा इस वीडियो को आप अपना दोस्त फ्रेंड का जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें फॉरवर्ड करिए, जिससे कि सारा इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों से भी शेयर हो सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, आपको पता ही होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है फ्रॉड जो केसेस आ रहे हैं कि टेलीकॉल के द्वारा फिर मैसेज के द्वारा फिर मेल के द्वारा काफ़ी लोगों का जो डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड केसेस होता है, और उसमें मैक्सिमम जो फ्रॉड केसेस होता है वो यहाँ पे होता है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है कि आपसे ओटीपी लिया जाता है और लेने के बाद आपके अकाउंट से पैसा जो है उनका फ्रॉड जो करता है उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो इसके ही चलते जो है आरबीआई ने एक नया गाइडलाइन इशू किया है जो कि एप्लीकेबल हो जाएगा 16 मार्च 2020 से। अभी वो गाइडलाइन में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया, मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं पुराने कस्टमर के लिए क्या होगा। जो कस्टमर अभी तक अपने कार्ड से, चाहे वो डेबिट कार्ड हो चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, अगर कार्ड से अभी तक कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं किया है, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन किया है एटीएम से या फिर पॉस का जो स्वाइप मशीन है उसी से किया है अभी तक, तो उनका जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का जो फैसिलिटी है वो 16 तारीख से बंद हो जाएगा। मतलब उस कार्ड से 16 तारीख के बाद से कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं होगा। अगर उनको वो ऑनलाइन का सर्विस दोबारा एक्टिवेट करना है तो बैंक में या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग से ये सुविधा चालू करने का रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। अभी कंसर्न आते हैं जो लोग पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं ऑनलाइन सेवा, तो उनका क्या होगा। जी दोस्तों, उनके लिए बताना चाहूँ, उनके लिए सर्विस एसिडिटी सेम रहेगा, लेकिन उनके लिए और एक गाइडलाइन जारी किया गया है कि उनका जो इंटरनेशनल जो सर्विस है, मतलब इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन है वो बंद हो जाएगा। जी, आपका कार्ड से इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन, मतलब इंडिया से बाहर पैसे भेजने का वगैरह वगैरह, ऐसा बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते कि उसको चालू करना, तो आपके बैंक का कस्टमर केयर में या फिर आपका मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग में आपको वो सुविधा मिल जाएगा दोबारा चालू करने के लिए। सो ये था एक गाइडलाइन जो कि एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए है। इसमें और एक चीज़ आपको ऐड करना चाहूँगा, आरबीआई ने ये भी बोला है कि अभी क्या होगा, ग्राहक को ये सुविधा दिया जाएगा कि हर महीने या हर वीक में आपका स्पेंड लिमिट, मतलब आप चाहते हो कि आपका हर हफ्ते में 4000 से ज़्यादा यूज़ ना हो तो वहाँ पर आप लिमिट सेट कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि हाँ मेरा कार्ड से एट ए टाइम 30,000 से ज़्यादा या 10,000 से ज़्यादा या 5,000 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन ना हो, तो वो ट्रांजेक्शन का लिमिट भी आप तय कर सकते हो। उसके लिए आपका ना मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन या फिर ऑनलाइन बैंकिंग या फिर अपना कस्टमर केयर, जो रिस्पेक्टिव जो कस्टमर केयर है वहाँ पर जाके आप इस चीज़ को कर सकते हो। तो ये तो गया आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए गाइडलाइन था। अभी न्यू कस्टमर के लिए गाइडलाइन ये है, जिन लोगों का न्यू कस्टमर को क्रेडिट या डेबिट कार्ड इशू किया जाएगा 16 मार्च 2020 से, उनके लिए क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो डेबिट कार्ड मिलेगा उसमें इंटरनेशनल सर्विस, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है बंद रहेगा। ओनली एटीएम जो है मशीन में काम करेगा और जो पॉस में जो स्वाइप मशीन रहते हैं उसी में काम करेगा। बाकी जो दो सर्विस है उसको अगर आप लेना चाहते हो तो आपका बैंक कस्टमर केयर में या फिर बैंक में विजिट करके या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर एप्लीकेशन के द्वारा उसको आपको इनेबल करने का रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा अलग से। सो आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा। बाकी जो फैसिलिटी जो मैंने बताया कि ट्रांजेक्शन लिमिट सेट करना या फिर वीकली ट्रांजेक्शन, मंथली ट्रांजेक्शन लिमिट सेट करना, वो एज इट इज सेम इनके लिए भी एप्लीकेबल रहेगा, न्यू कस्टमर के लिए आप मतलब उनके लिए भी ये सेम चीज़ एप्लीकेबल रहेगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट अपडेट था। तो 16 तारीख से अगर आपने अभी तक आपके कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कभी किए ही नहीं तो 16 तारीख से वो बंद हो जाएगा। सो इससे क्या होगा, इससे आपके जो फ्रॉड जो होता है वो फ्रॉड बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पता है कि जो मैक्सिमम जो फ्रॉड होता है, जो ज़्यादा यूज टू है नहीं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, उन्हीं लोगों से फ्रॉड होता है। मतलब कॉल करते फ्रॉड लोग और फिर बोलते हैं एटीएम आपके मोबाइल पे एक मतलब मैसेज गया है, उसमें ओटीपी बताइए, फिर वो ओटीपी बता देते हैं, फिर उनका जो अकाउंट से पैसा गायब हो जाते हैं। तो उन सिनारियों में उनका अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑप्शन मतलब चालू ही नहीं रहेगा तो उनका फ्रॉड होने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो हैकर जो है, जो हैक करके आपसे पैसा लेते हैं, सो वो टोटली जो है ऑनलाइन के थ्रू ही करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। सो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अगर बंद हो जाएगा तो ये सब हैकिंग या फिर जो फ्रॉड जो केसेस हैं ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा।
तो दोस्तों ये था जो है गाइडलाइन न्यू आरबीआई पॉलिसी के अनुसार। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो पे। शुभ रात्रि।